नहीं है, ये कोहिस्तान नहीं है, तो ये क्या है? ये पाकिस्तान है। मैं सबका, ये जितने लोग हैं इन सब की तरफ से एसी साहब के बर्खास्त होने का मुतालबा करता हूँ। ऐसे डील करते हैं आपको कल से आप बराबर, क्या फायदा है ऐसी एसी का जो घरों में बैठ के लैंड क्रूजरों में हमारे पैसे पे उनके बच्चे पलते और आगे हमें कहते हैं ये बल्तिस्तान नहीं है, ये कोई स्थान नहीं है। लड़ा जाए ऐसे लोगों पे। हसन टाउन, बलाल टाउन, जजमान कॉलोनी पूरी पानी में डूबी है। आप वानों में बैठ के मजे कर रहे हो, कौन सा यहाँ पे काकू रोड पे आके हमदर्दी का कोई किया हो? आप अपने मजे में हो, हमारे साथ आओ, सीओ के पास जाओ, कंटोनमेंट बोर्ड बंद करो। अवानों में बैठ के बहुत मजे ले लिए, अब ऐसा नहीं होगा। ये रोड तब खोलेगा जब यहाँ पे आजर सर्वर ब्रिगेडियर आएगा। हम न फौज को मानते हैं, ना अवानों में बैठने वालों को मानते हैं, हम टैक्स देने वाले लोग हैं। हमारे साथ कौन खड़ा होता है? मुश्ताक अली, कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड में बैठे हुए हैं, 99% यहाँ पे रिश्वत ली जाती है। चोर बैठे हुए हैं, चोर के बैठे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये निजाम नहीं चलेगा, अब ये निजाम यहाँ पे नहीं चलेगा, अब सारा जैसा जो होगा। हम यहाँ पे बिलाल टाउन के, हसन टाउन के, शाहजमान के मुतासरीन है। 3 दिन से बारिश होगी, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की दीवारें गिर गई हैं। 3 दिन से ना कोई पानी है, बिजली भी, 2 दिन बिजली भी नहीं थी, आज चौथा दिन चल रहा कोई पानी कुछ भी नहीं है। लोगों के घर मरीज पड़े हुए हैं, मेरे खुद अपने जाती बच्चे डिसेबल है बड़े, उन लोगों को उठा के हम लोग छतों पे पैर रात गुजारी हम लोगों ने। हम लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई इंतजामिया हमसे मिलने नहीं आई है, कोई इंतजामिया हमसे मिलने नहीं आई है। जब तक बाला काम नहीं आएगी, आर्मी के जो कमांडेंट हैं यहाँ के कंट इलाके के जो इंचार्ज है वो आएंगे, सीओ आएंगे और ये कमिश्नर आएगा, तब भी हम लोग खोलेंगे। यहाँ के लोगों से आके देखे इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ना कोई नालियत सफाई है, लोगों के घर गंद पड़े हुए, लोगों की चोरी हो रही है, लोग बड़ा, लोगों को बहुत बड़ा खराब हाल हुआ हुआ है। बच्चे छतों के ऊपर है और नाले पूरे अभी तक बंद है, ना किसी के पास कुछ खाने को है, ना किसी के पास कुछ पाने को है। ये डीसी और एसी है किस लिए है इधर? हमारा जो मुतालबा है कि जो जो इंक्रोचमेंट है इसको खत्म किया जाए। पैसे लेके, ये पैसे लेके नाले बनवाते हैं और लोगों की गुर्बत से नजायज फायदा उठाते हैं। आज आके देखे कौन सा डीसी आया है, कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट जो करोड़ रुपए इनको मिलते हैं किसके लिए मिलते हैं? जो ऐसे 11 बजे थे, 1 बजे थे ये वाकया हुआ है, लेकिन देखें ये कंटोनमेंट बोर्ड के इंस्पेक्टर जब फीते लेके यहाँ पे लोगों से पैसे और पत्थर लेने के लिए आते हैं, उस वक्त तो यहाँ पे ये मौजूद हो जाते हैं। ये लोगों को खुद आके बताते हैं कि यार आपको ये दूसरी मंजिल बनानी है कि तीसरी बनानी है, आप मेरे साथ रेट फिक्स करो, मुझे बताओ कि सीओ इस वक्त कहाँ पे है, कंटोनमेंट बोर्ड का सीओ कहाँ बैठा हुआ है, सीओ इस वक्त कहाँ पे है? बे इस वक्त अली खान जदून को, इस वक्त मुश्ताक अली को कहता हूँ कि आपको इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको बिलाल टाउन के पास, आपको शाहजमान कॉलोनी के पास, आपको हसन टाउन के पास, आपको इन रोडों पे आना चाहिए। कंटोनमेंट वाले जब आपने नक्शा पास कराना होता है तो इनकी आंखें यहाँ के बजाय यहाँ होती हैं। ये नक्शों में बेइंतहा जुल्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं। हर साल जब टैक्स की बात होती है तो जब टैक्स लेने के काम करने के लिए बात होती है तो कोई काम नहीं करते, टैक्स बिल्कुल के लिए जगह दे देते थे, तो टैक्स लेने में सबसे पहले होते हैं। कब्रिस्तान में की जगह नहीं होती, नाले बंदे, पीने का पानी साफ नहीं है, गलियां गंदी है, यानी कंटोन नाले भर हुए, तो कंटोनमेंट से एक सफेद हाथी है। हम इस कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया पर लानत भेजते हैं। मैं कहूंगा सीईओ, आपने कहना है मुर्दाबाद, सीईओ, 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 सीईओ को आज ही यहां से मुअत्तल करके वापस लाहौर लेकर जाएं, इस्लामाबाद लेकर जाएं। हमें मर्द चाहिए, औरत नहीं चाहिए। कमांडेंट, कमांडेंट, कमांडेंट को होना चाहिए, कमांडेंट को। एक मिनट, जिस दौर में लुट जाए, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, वह चुप कर रो ना, वो यार वे करने देना, उस तर भी आशा हो चुप, जिस दौर में लुट जाए, जिस दौर में लुट जाए, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, गलियों में बहुत नुकसान हुआ है, ये बोलो गलियां हैं कच्ची गलियां, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई,
कमांडेंट कमांडेंट को कैंट का जो कमांडेंट अपनाबाद से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर इस इलाके का दौरा करें। नंबर वन हमारे जो मुतालबात है टॉप मोट एजेंडा हमारा ये है जब जब का ये जो नाला है इसमें तमाम इंक्रोचमेंट खत्म की जाए। आप तहीद करते हैं खत्म की जाए, इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ भी खत्म की जाए। पुराने जो नाले हैं उन्हें बहाल किया जाए, इंक्रोचमेंट खत्म की जाए। और पानी पीने पानी वाला भी मसला है, इस बारिश के बाद पीने वाले पानी का मसला बन गया है। कल रात को 10 मिनट के लिए गाड़ी आई है, पानी मार के थोड़ा सा वो चले गए। इस तरह से ये वाला मसला हल नहीं होगा। मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा मुतालबा है, मेरा इस आवाम की तरफ से मुतालबा है कि लोगों को कंपनसेशन दी जाए। जब पंजाब में बारिश आती है, जब लाहौर में आती है तो वहाँ पर लोगों को कंपनसेट किया जाता है, नुकसान का अजाला किया जाता है। यहाँ पे ये गरीब शहर है, यहाँ के गरीब लोग हैं, इनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, किसी को एक पैसा नहीं दिया गया। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर थोड़ा जा बोलो खीम। हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाब आया है इसने PMA रोड और खास तौर पे बिलाल टाउन, हसन टाउन, शाहजमान कॉलोनी, इसमें लोगों के मकान तबाह हो गए हैं। लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फुट पानी इकट्ठा हो गया है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो उनकी ख़राब हो चुकी हैं, बिस्तरे ख़राब हो गए हैं, फर्नीचर तबाह हो गया है, लाखों रुपए के लोगों का नुकसान हुआ है, दीवारें गिर गई हैं, चार दीवारी का पर्दा का मसला बना हुआ है, गाड़ियां जो हैं वो नीचे आके टूट गई हैं, मोटरसाइकिल टूट गए हैं, बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे डिसेबल जिन लोगों के हैं, और यहाँ पे बीमारी फैल रही है। मुझे इंतहाई हैरत है। मैं एज ए नुमाइंदा इन तमाम लोगों का अपनी आवाज़ इंतजामिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी मर्द को अपॉइंट करें। क्या आप लोग इसकी तायद करते हैं? एक औरत को ला के हमारे सर पे बिठा दिया है उन्होंने कि जिसको पता ही नहीं है मामलात का, जिसे मिलने के लिए जाए तो उसके पास वक्त नहीं होता। हमें क्या जरूरत है ऐसे CEO की? हमें ऐसा कंटोनमेंट ऑफिसर नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? हर रोज हम रोते हैं पीटते हैं कि भाई मेरा जाती घर है स्ट्रीट हसन टाउन में, मेरा जाती घर है हसन टाउन में, 6 फुट मेरे घर में पानी है, 6 फुट का जो पानी है, आपको पता है कि मेरा कद भी 6 फुट है, 6 फुट के अंदर क्या चीज़ बचती है? इमरजेंसी डिक्लेयर करें, 24 घंटे यहाँ पे सर्विस होनी चाहिए। इलाके को आफत ज्यादा करा दिया जाए।